नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रामीण अड्डा GS में। आज हम संविधान में अध्ययन करते हैं पार्लियामेंट, संसद का उल्लेख। संसद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 79 में है। संसद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 79 में है। क्वेश्चन पूछा जाता है, संसद किस भाषा से लिया गया है? संसद फ्रेंच भाषा से लिया गया है। संसद किस भाषा से लिया गया है? फ्रेंच भाषा से लिया गया संसद। संसद की जननी किस देश को कहते हैं? संसद की जननी किस देश को कहते हैं? जननी, संसद की जननी ब्रिटेन को कहते हैं। ब्रिटेन को कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, संसद की नींव का पहला पत्थर किस सन में रखा गया था? संसद की नींव का पहला पत्थर, संसद की नींव का पहला पत्थर 12 फरवरी 1921 को रखा था। क्वेश्चन पूछा जाता है, संसद गोलाकार है या त्रिभुजाकार? संसद हमारा त्रिभुजाकार है। संसद गोलाकार है या त्रिभुजाकार? या त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार है संसद हमारा, त्रिभुजाकार है। क्वेश्चन पूछा जाता है, संसद का उद्घाटन किसने किया था? संसद का उद्घाटन अठारह जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन ने किया था। लॉर्ड इरविन ने किया था, इरविन ने। संसद की नींव 12 फरवरी 1921 को रखी थी। संसद हमारा 6 वर्ष में बनकर तैयार हुआ था और 83 लाख की लागत से बना था, लागत से बना था। क्वेश्चन पूछा जाता है, संसद का निर्माण किसने किया? संसद का निर्माण तो लुटियन बेकर ने, लुटियन बेकर ने, एवं बेकर ने। क्वेश्चन पूछा जाता, संसद में कितने सत्र होते हैं? संसद में 3 सत्र होते हैं। संसद में कितने सत्र होते हैं? कितने सत्र होते हैं? संसद में 3 सत्र होते हैं। नंबर बजट सत्र, बजट सत्र जो फरवरी पेश होता है। दूसरा है मानसून सत्र जो जुलाई पेश होता है। मानसून सत्र जो जुलाई पेश होता है। तीसरा शीत सत्र जो नवंबर में पेश होता है, पेश होता है। क्वेश्चन पूछा था, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने बीच का अंतराल हुआ? क्वेश्चन पूछा था, संसद के 2 सत्र के बीच, 2 सत्र के बीच, संसद के 2 सत्र के बीच अधिकतम कितने बीच का अंतराल हुआ? कितने बीच का अंतराल हुआ? वो 6 माह का।
संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल होगा। अगर इसके बीच कानून की जरूरत होती है तो कानून कौन बनाएगा? वो राष्ट्रपति बनाएगा। अगर इसके बीच कानून की जरूरत पड़ती है, जरूरत पड़ती है तो कानून कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? राष्ट्रपति बनाएगा। राष्ट्रपति बनाएगा। राष्ट्रपति के अस्थाई कानून को हम अध्यादेश कहते हैं। राष्ट्रपति के अस्थाई कानून को, अस्थाई कानून को, कानून को हम अध्यादेश कहते हैं। अध्यादेश कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, संसद के सत्र को आहूत कौन करता है? क्वेश्चन पूछा जाता है, संसद के सत्र को आहूत कौन करता है? आहूत कौन करता है? वो करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। क्वेश्चन पूछा था, संसद के सत्रवसान कौन करता है? संसद का सत्रवसान कौन करता है? वो करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। क्वेश्चन पूछा था, संसद की प्रक्रिया समितियां कौन से अनुच्छेद में? संसद की प्रक्रिया एवं समितियां अनुच्छेद 118 में। संसदीय कार्रवाई, संसद की कार्रवाई, कार्यवाही। संसद के 3 समय होते हैं। नंबर 1 प्रश्नकाल, प्रश्नकाल। नंबर 2 शून्यकाल। नंबर 3 लंच टाइम, लंच होता है। नंबर 4 प्रस्ताव, प्रस्ताव या चर्चा। प्रश्नकाल का पहला घंटा 11 बजे से 12 बजे तक होता है, 12 बजे तक। शून्यकाल 12 से 1 बजे। लंच टाइम 1 से 2। प्रस्ताव, कोई धन विधेयक बिल पास होता है तो चर्चा होती है 2 से 6 बजे तक। प्रश्न काल में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न काल में प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें 4 चीजें होती हैं। तारांकित प्रश्न काल, तारांकित प्रश्न काल। नंबर 2 अतारांकित प्रश्न काल, अतारांकित। नंबर 3 अल्प सूचना, सूचना। नंबर 4
गैर सरकारी सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न। गैर सरकारी सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न। तारांकित प्रश्न में हम मौखिक प्रश्न पूछते हैं, किसी मंत्री से मौखिक प्रश्न पूछते हैं। तारांकित प्रश्न काल में मौखिक प्रश्न पूछते हैं किसी मंत्री से। अतारांकित प्रश्न काल में हम लिखित में प्रश्नों का जवाब पूछते हैं। अतारांकित काल हम लिखित में सवाल पूछते हैं। हम लिखित में जवाब पूछते हैं। अल्प सूचना में हम 10 दिन से कम समय में प्रश्न पूछ सकते हैं। 10 दिन से कम समय में प्रश्न पूछ सकते हैं। दस दिन पहले हमें महासचिव को सूचित किया जाता है। जब तारांकित प्रश्न का जवाब पूछते हैं हम 10 दिन पहले, 10 दिन पहले हम महासचिव से महासचिव को सूचना देते हैं, महासचिव को दूसरा सूचना देते हैं। हम तारांकित मौखिक प्रश्न पूछते हैं तो हम महासचिव को 10 दिन पहले हम सूचना देते हैं। महासचिव को सचिव को हम 10 दिन पहले सूचना देते हैं, 10 दिन पहले सूचना देते हैं। इन सवालों का जवाब हमें मंत्री देते हैं, मंत्री देते हैं। इतर की लाइब्रेरी संसद के भीतर की लाइब्रेरी लाइब्रेरी संसद के भीतर की लाइब्रेरी देश की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। देश की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। संसद के भीतर की लाइब्रेरी देश की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। इस महंगाई दौर में भी संसद की कैंटीन में एक व्यक्ति का भोजन आप 25 रुपए में पा सकते हैं। इस महंगाई दौर में भी संसद की कैंटीन में आप एक व्यक्ति का भोजन पच्चीस रुपए में पा सकते हैं, 25 रुपए में पा सकते हैं। हेलो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।